Are you? Are you? अरे हिम्मत कैसे हुई इसका? कहाँ ले जा रही थी मेरे बच्चे को? बच्चा तुम्हारे पास कैसे है? आयु आपके पास? कहाँ लेके जा रही थी इसे? अरे कुछ बोलो तो सही, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आरती, इसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। तुम्हें बहुत मन था ना इसे देखने का, मुझसे माँ की तरफ देख ही नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे तुम्हारे पास ले आती हूँ, तुम इसे एक नजर देख लोगी तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और वो वॉचमैन भी उसे इंक्यूबेटर रूम से लाने नहीं दे रहा था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं सही कह रही हूँ। आकाश जी, प्लीज आरती को कहिए ना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आरती, बस मुझसे तुम्हारी तड़प नहीं देखी थी। आयु, तुम ठीक हो ना? आप मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, आप मम्मा के साथ ही रहोगे उसके पास। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि भाभी पर क्या गुजर रही थी? अरे सबकी हालत खराब हो गई थी, सब घबरा गए थे। जब कमरे में जाके देखा कि बच्चा नहीं है, सबको लगा कि बच्चा कोई उठा के ले गया। पर तुम हो कि अगर भाभी या बच्चे को कुछ हो जाता तो लगा। आकाश, आप प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए। अब मैं आयु को इंक्यूबेटर में नहीं रहने दूंगी, ये हमारे साथ ही रहेगा। आप प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए यश जी, अभी बात कीजिए आप। आरती जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं डॉक्टर से बात करूंगा और हमारा आयु हमारे साथ रहेगा। चलिए आरती जी। कहीं यश को शक तो नहीं हो गया मुझ पर? अगर ऐसा हो तो मेरा सारा खेल खत्म। नहीं, यश को किसी भी कीमत पर सच का पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाना ही होगा मुझे। कहाँ चले गए थे आप लोग? इसे लाओ, लाओ 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 लाओ, इसमें डालो इसको, नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं बेकार में आयु की इतनी चिंता कर रही थी। ये तो आराम से इंक्यूबेटर में सोया हुआ था। चलो अच्छा है, तुम आयु को यहीं ले आई, कम से कम निश्चिंत होके हमारी आरती बहू आराम तो कर सकेगी। मम्मा, हमें भी दिखाओ ना हमारे भाई को। So cute. मम्मा, ये कितना छोटू सा है ना? और बहुत soft भी है। हाँ बेटा, जब तुम लोग भी यूँ छोटे छोटे अपनी मम्मा के गोद में थे ना, तो आप भी ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट थे। अब हम बड़े हो गए ना दादी? हाँ, बहुत बड़े हो गए आप। कल से ऑफिस आप ही जाना, ठीक है? नहीं, आप लोग बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब आप तीनों मिलके अपने छोटे से भैया का ध्यान रखेंगे। रखोगे ना? मैं, अंश, पायल खूब ध्यान रखेंगे और छोटे के साथ खूब खेलेंगे भी। और सुसु और पॉटी भी साफ करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, नहीं, वो मामा करेगी। इसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही थी, तुम्हें बहुत मन था ना इसे देखने का, और वो वॉचमैन भी उसे इंक्यूबेटर रूम से लाने नहीं दे रहा।
मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं ऐसी? मैं अभी आ। इशिता जी, उस वक्त तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आरती जी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन आकाश जो भी कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। आयु को चुपचाप से उठाने से पहले क्या आपके मन में एक ख्याल नहीं आया कि एक माँ पे क्या गुजरेगी? आपको पता है आरती जी की क्या हालत थी? अगर कुछ और देर आयु नहीं मिलता तो वो सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और आपकी इस नादानी के लिए आपको जेल भी हो सकती थी, समझिए आप। मुझे एक बात बताइए, आखिर आप चाहती क्या है? आपके मन में क्या है बताइए ना। यश जी, मैं तो बस सॉरी, आपने तो पहले ही जवाब दे दिया था। इशिता जी, आपने जो किया वो गलत किया। मैं ये भी जानता हूं कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये कैसी नादानी है? अब जो हो गया सो हो गया, अब आइंदा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप समझिए आप। तो मेरे आंसुओं ने यश का दिल पिघला ही दिया, तभी तो अपना रुमाल निकाल कर दे रहा है मुझे। आकाश, कब तक नाराज होगे शीता से? जाओ उसे बना लो, उसके आंसू पोछ लो। पहले तो गलती करती है, ऊपर से कोई सुना दे तो टिप टिप करके आंसू बहने लगता तुम्हारे। अच्छा, रो मत, चलो आंसू पोंछो। बस ये बताओ कि ये सब करने की क्या। अच्छा, यार समझे ना समझे, हम जरूर समझ गए कि ये बेवकूफी तुमने क्यों की। बच्चों से बहुत प्यार है ना तुम्हें, तभी तो माँ का दर्द समझ बैठी तुम। बहुत अच्छी माँ बनोगी तुम, कहो तो लिख के दे दे स्टैंप पेपर। क्या है ना, तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए पूरा साथ देंगे तुम्हारा। आफ्टर ऑल हमें भी तो बेस्ट पापा बनना है, हैं? आएंगे 9 महीने बाद, मुस्कुराते रहो। रात में पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर रुक सकता है, बाकी सब लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ भाई, ये तो रात को कौन रुक रहा है मेरी गुंडी भाभी का ख्याल रखने के लिए? अब वैसे तो मैं जानता हूँ कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी ऐसे को रुकना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और जरूरत पड़ने पे बच्चे और भाभी दोनों का ख्याल रख सके, है ना माँ? हाँ बिल्कुल। और हाँ, पता है राधा माँ को इन बातों का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें यहाँ रुकना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया आप क्या बात कर रहे हैं, माँ बहुत थक गई है, सुबह से हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। माँ एक काम कीजिए, आप घर में जाके आराम कीजिए, और वैसे भी आरती जी तो बिल्कुल ठीक है, ये अपना ख्याल रख लेंगे।
हाँ हाँ पंकज भैया, माँ बहुत थक गई होंगी, माँ को मत परेशान करिए। भैया आप, फिर भी मुझे लगता है माँ को रुकना चाहिए। छोटे I'll manage। भैया आप तो मैनेज करेंगे, लेकिन बच्चों का क्या? आप दोनों ने उनकी आदत ऐसी बिगाड़ दी है कि रात को सोते समय किसी एक को तो उनके साथ होना चाहिए, है ना? नहीं तो तीनों रोते रहेंगे, राइट भैया? आप बिल्कुल सही कह रहे प्रतीक। यश तू बच्चों के साथ घर में रह। पंकज भैया मैं क्या कह रही थी ना कि बच्चे बहुत कंफर्टेबल हैं विधि भाभी के साथ, वो आराम से रुक जाएंगे और किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। माँ नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो यश को घर चले जाना चाहिए और फिर मैं हूं ना यहाँ तेरे साथ। भगवान ना करे रात को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े या बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो मैं संभाल लूंगी। हा? हाँ, वही 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 हम कह रहे हैं। यश बेटा तुम घर जाओ। भैया देखा हमारे लव बर्ड्स के चेहरे कैसे उतर गए? ऐसा लग रहा है जैसे अभी रो पड़ेगा। ये क्या खुशबू से चल रही तीनों भाइयों में? हाँ प्रतीक भैया, नए मेहमान के आने की खुशी में क्या हलवा बनाने की रेसिपी तैयार कर रहे हैं आप? हाँ भाभी, आप घर तो आइए आयु को लेके, मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगा, है ना? अब चल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं बाहर, चल। हाँ भैया चलिए, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चल भाई। क्या? एक मिनट। अब जाओ, मैं अपना सामान मतलब फोन रुमाल सब रखा हुआ है, फ्रूट सब रखा हुआ है ना? अभी अभी याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जा जा मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। रुमाल क्या बात है यश, क्या ढूंढ रहे हो? वो माँ मैं अपना फोन और रुमाल एक तो भूल गया था। अब आरती बेटा मैं अभी आती हूँ। बेबी का भी ख्याल रखिएगा, आयु का, ठीक है? आयु बेबी, आयु और आप अपना दोनों ख्याल रखिएगा। हाँ, इसलिए टीचर ने भैया हेलो। हाँ चलिए चल आइए। अरे यार समझते क्या हो, समझ तुमने क्या किया? तुमने मुझे और आतिक को दूर किया ना तुमने? गलत क्या किया? गलत एक मेरी बात सुनो, क्या बोले थे? माँ को एक्सपीरियंस है ना? नहीं मेरे भाई हो, पंकज भैया बचाना, कोई नहीं बचाएगा। अरे 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 मार तो खानी ही पड़ेगी ना, तूने यश का दिल जो तोड़ा है। एक मिनट भैया, तब तो आप इसकी बहुत तरफदारी कर रहे थे। अरे तू एक रात की जुदाई नहीं सह पा रहा है? तुझे पता ही है जुदाई जो है ना प्यार का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये कुछ घंटों की जुदाई तुझे आरती के करीब ले आएगी। अरे भाई हमने तो इसकी मदद की है, देख ये हम भी नाराज हो गया। इतनी गलत बात है भाई, जमाना ही खराब है। हाँ। नहीं नहीं गलत बात नहीं भैया, देखो ये बाप ये वापस में छेड़ रहा भैया। इसको तो मैं नहीं अच्छा तो आज की रात अकेले है यश, बहुत अच्छा मौका मिला है ये सुहानी रात मैं और मेरी यश। का बनना ही होगा, बहुत इंतजार कर लिया, आप नहीं सहा जाता। अच्छा होगा अगर यश खुद ये दरवाजा खोले, फिर हर एक कदम के साथ हम दोनों के बीच की ये दूरी सिमटती जाएगी।
आओ चाची, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कोई पार्टी है क्या? चाची आप ये खाना हमारे लिए लाए हो? बहुत भूख लगी है। देखो पापा, छोटी चाची हमारे लिए खाना लेकर आई है। चाची आप हमें अपने हाथों से खिलाओ ना, जैसे मम्मा खिलाती है, प्लीज। बच्चों, चाची को परेशान नहीं करते। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज इन बच्चों को उनकी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। थैंक यू। आप भी सबके साथ मिलके खाना खा लीजिए ना। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है। शायद खाने को देख के उसकी खुशबू से भूख लग जाए। कितना बढ़िया खाना बनाती है। शैतानों की ये तिकड़ी तो मेरे और यश के बीच में पहरेदार बनी बैठी है। अब क्या करूं? पलक पलक, ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात। कोई बात नहीं, बच्चे तो थोड़ी देर में सो ही जाएंगे, उसके बाद यश को मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। पापा आज हम बहुत रात तक खेलेंगे। आज मम्मा नहीं है ना, आज जल्दी सोने की टेंशन भी नहीं है। बहुत खेलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, आपके पापा बहुत थक गए हैं ना, उन्हें सोने दो। अगर मम्मा को पता चल गया ना तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएगी। और वैसे भी कल आपका छोटा भाई आने वाला है ना, उसके साथ जी भर के मस्ती कर लेना, ठीक है? अभी चलो, मैं आप तीनों को आपके रूम में सुला देती हूँ। आओ। यश को बुला दूं? हाँ बुला दो। अभी बुला देती हूँ। ठीक है, अब यश को ही बुलाती हूँ, वही आके अपने हाथों से तुम्हें खिलाएगा, वरना ये तो यहाँ पड़ा पड़ा ठंडा ही हो जाएगा ना। नहीं माँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे से, एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग रहना अच्छा नहीं लगता। बस यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि वो तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। नजर तो लग चुकी है आरती के प्यार को, अब मेरा दिल जो आ गया ये। आज रात यश और आरती की प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यश को पता भी नहीं चलेगा कब उनकी जिंदगी में चुपके से एक नया प्यार शामिल हो जाएगा और पुराना रिश्ता दम तोड़ देगा।